श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाबा फरीद जी एक संत हुए हैं। वो एक जगह पर अपनी वाणी में लिखते हैं कि फरीदा आप संवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। वो भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से एक घोषणा करते हैं, आप सवारे मैं मिले। मैं यानी परम मैं, जो परम मैं यानी कि परमात्मा। कहते आप सवारे, पहले खुद को संवारना पड़ता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। अपने अंदर वो गुण विकसित करने पड़ते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना होता है, तब जाकर प्रभु से मिलाप होता है। कहते आप संवारे मैं मिले और मैं मिलिया सुख होए। कहते मेरे मिलने से फिर परम सुख मिल जाएगा, यानी कि सच्ची मैं के जब दर्शन हो जाएंगे, अपने प्रभु के साथ अंतर में, आत्मा में जब साक्षात्कार हो जाता है, तो परम सुख की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। फरीदा आप संवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। फरमाते हैं अगर तू परमात्मा का हो जाएगा तो सारा संसार तेरा हो जाएगा। तू एक बार अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके तो देख, तू परमात्मा का हो जा तो ये सारा संसार तेरे लिए हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत वाणी है, संत इसी प्रकार में शिक्षा देते हैं। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है हमारी ईगो। हमारी ईगो नहीं छूटती, ईगो हमें अटका लेती है। प्रभु से मिलने में एकमात्र अगर कोई बाधा है तो हमारी मैं की बाधा है, हौमै की बाधा है, ईगो की बाधा है। मेरे प्यारे प्रभु हमारे हमें नाम का दान भी देते हैं और अंतर से हमारी ईगो भी हटाते हैं। असल में गुरु शब्द का जो सिमरण है, यानी कि वो जो नाम की दीक्षा देते हैं, अजपा जाप की दीक्षा देते हैं, उसे श्वासों में जपना होता है और श्वास श्वास में जपते जपते हमारी होमें कम होती चली जाती है, घटती चली जाती है। असल में शब्द जो है वो नाम, यानी कि अजपा जो है वो गुरु के शब्द की हमारे अंतर में जब चोट पड़ती है तो हमारी होमें पर चोट पड़ती है, मैं पर चोट पड़ती है, ईगो पर चोट पड़ती है। तो सदगुरु कृपा करके ये नाम की जब दीक्षा देते हैं तभी ये नाम हमारे हृदय में बसता है। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान एक बार किसी जगह पर गाड़ी से जा रहे थे। ये जगह संत नगर के नाम से फेमस है, राजस्थान में धौलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। वहां पर एक आश्रम है गुरुदेव का, उसका नाम संत नगर रखा गया है। तो वहां पर प्रभु उस जगह पर गाड़ी से जा रहे थे। तो वहां पर रास्ते में एक शेर जो है, एक लायन, जंगल है वहां पर और जंगलों से जाना होता है तो जंगली जानवर वहां पर सड़क के आसपास ही घूमते हैं। तो वहां से गुरुदेव की कार जा रही थी तो एक शेर पीछे लग गया। तो महात्मा जी जो गाड़ी चला रहे थे, जो सेवक गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बैक मिरर में से देखा कि शेर पीछे आ रहा है। तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। तो गाड़ी की स्पीड तेज कर दी तो गाड़ी को थोड़े झटके लगने लगे। तो गुरुदेव ने पूछा कि गाड़ी तेज क्यों चला रहे हो? पीछे गुरुदेव विराजमान थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु गाड़ी तेज इसलिए चला रहे हैं कि पीछे एक शेर आ रहा है। गुरुदेव ने फरमाया कि शेर आ रहा है तो आने दो, गाड़ी तेज मत चलाओ बल्कि गाड़ी साइड में चलकर रोक लो। अब गुरु के हर कार्य में हमारा कल्याण छिपा होता है, हम नहीं जानते लेकिन वो तो सब अंतर्यामी है, जानते हैं ये कौन है,
ये शेर कौन है और ये क्यों आ रहा है यहां पर? तो प्रभु सारे सबके अंतर के जानने वाले घट घट के स्वामी, तो प्रभु ने फरमाया गाड़ी रोक दो। गाड़ी को साइड में रोक दिया गया और वो जो शेर था वो धीरे धीरे चलता हुआ वो पास आ गया। पूरा बब्बर शेर देखकर डर लगे। महात्मा जी गाड़ी से नीचे ना उतरे, वो दूर से ऐसे आवाज करे गुर्राए तो वो डर लगे। खैर जैसे तैसे डरते हुए महात्मा श्री गुरुमाई जी पीछे फरमा विराजमान है हमारे सदगुरु। सदगुरु ने फरमाया महात्मा जी नीचे उतरो, दरवाजा खोलो, डरो मत। दरवाजा खोला, शेर पीछे खड़ा हुआ था, तो दरवाजा खोल के महात्मा डरते हुए नीचे उतरे। उसके बाद सदगुरु नीचे उतरे। सदगुरु ने इशारा किया कि प्रसाद लेकर आओ, गाड़ी में पीछे प्रसाद बिस्किट वगैरह का प्रसाद होता है तो प्रसाद लेकर आओ। अब जैसे ही शेर ने प्रभु को देखा, शेर बिल्कुल ऐसे अपने पंजों को आगे की ओर ऐसे करने लगा जैसे वो अभिवादन करना चाह रहा हो, वो झुकना चाह रहा हो, गुरुदेव के चरणों में झुकना चाह रहा हो। उस दिन गुरुदेव के नेत्रों में अश्रु झलक आए बहुत ज्यादा। प्रभु जैसे उसकी ओर देखा ना शेर की ओर, उसके दिल की पुकार सुनी होगी, तो प्रभु के नेत्र वो शेर की तरफ देख रहे हैं, शेर उनकी तरफ देख रहा है, और जैसे अंदर ही अंदर कुछ बातें हो रही हैं। तो प्रभु ने बड़े प्यार से, महात्मा जन जो पास में सेवादार थे वो गुरुदेव का चेहरा देख रहे हैं, शेर को देख रहे हैं, उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु के चरणों में, गुरुदेव ये क्या लीला है, ये क्या रहस्य है, प्रभु आप इसकी ओर देखकर ऐसे क्यों, आपके नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, ये आपकी ओर देखकर इसी प्रकार से ऐसे लग रहा है जैसे वो शेर भी रो रहा है और आपके चेहरे पर भी ऐसे है, ऐसा क्यों प्रभु, ये क्या है। गुरुदेव बहुत सीरियस हो गए, चेत गुरुदेव के नेत्र जो हैं उस समय सिजल हो गए। प्रभु ने फरमाया कि आप जानते हो ये शेर कौन है, ये केवल अभी पहली बार हमारे पीछे नहीं आ रहा, हम इससे पहले भी दूसरे रूप में जब यहाँ आए थे, तब भी हमारे पीछे आता था। एक्चुअली जैसे अभी हमारे गुरुदेव जो पंचम पातशाही जी महाराज जी हैं, पहले इनसे पहले चतुर्थ पातशाही जी यानी कि जो उनके गुरु थे वो थे, तो ऐसे गुरु साहिबान एक श्रृंखला बनाते हैं, जैसे सिख गुरु साहिबान की श्रृंखला आप सभी जानते हैं, उन लोगों की उन गुरुदेव की गुरुजनों की श्रृंखला है, जैसे प्रथम पातशाही जी गुरु नानक देव जी महाराज, द्वितीय पातशाही जी गुरु अंगद देव जी महाराज, इसी तरह से आगे उनकी जो श्रृंखला चलती गई, तो वैसे ही हमारे जो सदगुरु हैं इनसे पहले श्री चतुर्थ पातशाही जी यानी फोर्थ मास्टर थे और उनसे पहले थर्ड मास्टर थे। तो गुरुदेव ने फरमाया कि हम पहले भी जब यहाँ पर दूसरे रूप में आते थे तो ही हमारे पीछे आता था, ये कई सालों से यहाँ पर भटक रहा है। फिर गुरुदेव ने फरमाया आप जानते हो ये कौन है, तो सभी ने कहा प्रभु हमें हमें क्या पता, आप बताइए। गुरुदेव ने फरमाया ये हमारे दरबार का एक सेवक था, ये हमारे दरबार का एक सेवक था, लेकिन इसके गुस्सा करने की आदत नहीं गई, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ था, भक्ति भी करता था, कुछ कुछ सेवा भी करता था, लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ता था, बड़ा गुस्सा करता था, बड़ा चिल्लाता था, जब भी कोई बात होती चार लोग बैठे होते तो उनके ऊपर गुर्राने वाली बात करता था, मेरी आवाज के सामने किसी की ना चल पाए, ऐसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, सबको चुप करा देता था। तो कुदरत जो है वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती, जिन लोगों पर ये चिल्लाता था गुस्सा करता था वो कुदरत उन सब के साथ न्याय करती है। तो ये चिल्लाते और गुस्सा करते हुए इन्होंने जब इनका अंतिम समय आया, इनका गुस्सा करना कम नहीं हुआ, ये उसी प्रकार चिल्लाया करते थे, और इस वजह से जो है इनको कुदरत ने इनके साथ इनको सिखाने के लिए पूरा जीवन, हमने भी बहुत समझाया जब हम उस रूप में आए थे तब हमने भी बड़ा समझाया, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी और ये उसी तरह गुस्सा करता करता
और चिल्लाता चिल्लाता जो है ये स्वर ये इसके प्राण छूट गए और फिर इसको शेर का जन्म दिया गया। अब चिल्लाओ, अब ये कुदरत का न्याय है कि चिल्लाओ, तुम चिल्लाना चाहते हो ना, गुस्सा करना चाहते हो ना, हिंसा दिखाना चाहते हो ना, अब हिंसा करो, जो करनी है करो। तो तब से इसको, लेकिन हमने ये कृपा करी कि इसे अपना पिछला जन्म याद है। कहते आमतौर पर शेर को क्या पता चलेगा कि पिछला जन्म क्या होता है, लेकिन इसे याद है, हमने ये कृपा जरूर करी, इसकी मन की प्रार्थना थी, इसकी आत्मा की प्रार्थना थी, तो हमने इसे ये जरूर याद दिलाए रखा कि तेरा पिछला जन्म ये था। इस वजह से ये लगातार पश्चाताप करता रहा। हम जब जब यहां पर आते थे ये ऐसे ही हमारा पीछा करता था, लेकिन इसकी तभी भी इसकी जो सजा थी वो पूरी नहीं हुई थी, कुदरत ने जो उसके लिए तय कर रखी थी। कहते अब हमें लगता है कि इसकी सजा हम पूरी कर देते हैं, आज हमारा दिल आ गया है इस चीज पर, आज हम इसे माफ कर देते हैं, आज दिन है इसके माफी का। प्रभु के नेत्रों में जल भराया और बड़े प्यार से उन्होंने उसको इशारा किया, इधर आओ। वो शेर जो है प्रभु के सामने आया, महात्मा जी को कहा गुरुदेव ने कि बिस्किट के पैकेट खोल दो। तो बिस्किट के पैकेट खोल कर प्रभु ने अपने हाथों में लेकर, कर कमलों में लेकर बिस्किट जो है इस शेर को खिलाए। काफी सारा प्रसाद जो है ना गुरुदेव ने इसे खिलाया, और भी मिठाई वगैरह थी वो भी खिलाई, खूब खिलाया, खूब प्यार से खिलाया। उसके बाद गुरुदेव ने अपना प्रेम भरा वरद हस्त जो है ना आशीर्वाद की मुद्रा में इसकी ओर किया, शेर की ओर। ये गुरुदेव की ओर निहारता रहा, बड़े प्यार से गुरु की ओर देखता रहा। फिर इसने अपने अपना सिर झुका लिया और अपने पंजे जो है आगे की ओर कर लिए, मानो वो गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हो। तो गुरुदेव ने ऐसे अपना प्रेम भरा वरद हस्त उठाया और फरमाया, आज इसे माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और गुरुदेव ने जैसे ही ये प्रेम भरा आशीर्वाद उसे दिया, वो शेर वहीं बैठा बैठा उसके प्राण छूट गए और एक ज्योत निकली उस शेर के अंदर से, एक रोशनी निकलती हुई सेवकों ने देखी और वो प्रभु के गुरुदेव के सुंदर रूप में जाकर समा गई। गुरुदेव ने कहा, आज उसे माफ कर दिया है, आज उसे बख्श दिया है, बख्श दिया है, आज उसकी आत्मा हमारे भी हमारे अंदर लीन हो गई है। बहुत प्यार से सेवकों ने जयकारा बोला कि बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, सेवक का कल्याण करने वाले मेरे प्यारे भगवान की जय। सेवक को निहाल किया, वापिस उसकी आत्मा जो दुख पा रही थी इतने समय से, उसको वापिस अपने भीतर लीन किया। ये सदगुरु की अपार दया है, ऐसे सदगुरु हमें मिले हैं, ऐसे गुरु की पल पल हम उनको याद करें, उनके सुंदर मुखड़े को याद करें, उनके नाम का स्मरण करें और नाम की दीक्षा लेकर उनके चरणों से जो उनके चरणों से जुड़े रहें, ताकि हमारे भी अंदर के सारे विकार समाप्त हो जाएं, हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब दुष्ट जो है हमारे अंदर से समाप्त हो जाएं और हम अपने पवित्र होकर अपने प्रभु के चरणों में लीन हो सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।